नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव, आपके साथ मैं हूं धीरज। भारत के विख्यात पत्रकार रविश कुमार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैक्सेसे से सम्मानित किया गया है। इसकी लहर देश भर में देखी जा रही है। 9 सितंबर को उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमोन मैक्सेसे, अगर आपको बता दें तो यह 12 साल बाद भारत में किसी पत्रकार को दिया गया है। यह खुद में एक मिसाल का काम करती है। हालांकि रविश कुमार के बारे में सभी पत्रकार साफ तौर पे कहते हैं कि उनकी पत्रकारिता एक अलग दिशा में आम लोगों को ले जाने का काम करती है। उनका जो जमीनी स्तर का ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वो किसी भी फैसले को, किसी भी बात को निष्पक्ष होकर रखते हैं। साथ ही आम लोगों की वो हर आवाज़ को सरकार के पास उठाने का काम करते हैं। उनके पास कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन वो हर कठिनाइयों को निष्पक्ष होकर फैसला सुनाने का काम करते हैं। उनकी जो रिपोर्टिंग है वो एक अलग दिशा की है। हर पत्रकारों से सबसे हट के वो पत्रकारिता करते हैं। उनकी पत्रकारिता का जवाब ही नहीं है, यहाँ तक इसकी खुशी देश भर में देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले रविश कुमार को मोतिहारी के लोग भी इस पुरस्कार को लेकर काफ़ी उत्साह उनमें भी देखा जा रहा है। एक आपको बता दें कि एक रेत आर्टिस्ट ने रविश कुमार को लेकर मोतिहारी में एक प्रतिमा बनाई है। उसको लेकर दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और काफ़ी अंदर से अपना भाव प्रकट करते देखे जा रहे हैं कि रविश कुमार की पत्रकारिता को लेकर सभी के अंदर एक उत्साह रहता है। उनकी रिपोर्ट देखने के लिए लोगों में एक लालसा का रहती है। रविश कुमार को शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें एक अलग पत्रकार, एक काफ़ी बेहतरीन पत्रकार के नज़रिए से देखते हैं और उनकी खुशी मोतिहारी ज़िले में साफ तौर से देखने को मिल रही है। आप खुद देखें रविश कुमार से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। अपने निर्भीक और धरातल स्तर की पत्रकारिता के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले भारतीय मूल के पत्रकार हैं रविश कुमार। 12 साल बाद एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार किसी भारतीय पत्रकार को मिला है। रविश कुमार का इस मुकाम तक के सफर तय करने के बाद वैसे तो पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया है, लेकिन मोतिहारी के निवासियों ने उनको कुछ अलग अंदाज में ही बधाई दी है। नौ सितंबर की देर संध्या फिलीपींस की राजधानी मनीला में पत्रकारिता को गौरवान्वित करने वाले रविश कुमार को रेमोन मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया। वहीं रविश कुमार को इस अवार्ड मिलने के बाद मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंदु ने अलग अंदाज में अपनी रेत कला के माध्यम से रामगढ़वा में चौक थाना के पास बालू पर रविश कुमार की अद्भुत आकृति बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उनकी कलाकारी देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हुई, जिन्होंने अपने मिट्टी के लाल के लिए इतना सब कुछ देखा, जिससे उनका खुशी का ठिकाना देखते ही बन रहा था। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड आर्टिस्ट पूर्वी चंपारण के इस पावन गढ़वा में प्रकृति के लिए रविश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई दिया हूँ, क्योंकि रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और ये पूरे भारत के लिए कोई 12 साल बाद ये पुरस्कार अपने हिंदुस्तान में आया है, ये पूरे बिहार सहित पूरे देश के लिए गौरव की बात है। पत्रकारिता के जरिए देश के करोड़ों लोगों, खासकर युवाओं और किसानों की आवाज बनने वाले रविश कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना काफी गर्व की बात है। आपको बता दें कि सन 2007 में भारतीय पत्रकार पी साईनाथ को पत्रकारिता में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया था और आज रविश कुमार ने भारत और बिहार का परचम लहराया है। सनमार्ग लाइव के लिए मोतिहारी से प्रशांत की रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा रविश कुमार से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ धीरज कुमार सलमान, लाइव पटना।